तीन दिन के चक्का धाम में जब राजस्थान की वो महिलाएं खेती में काम आने वाले औजार चेली और जनाजी लेकर के आ गई तो वसुंधरा और नरेंद्र मोदी की सरकार की औकात नहीं थी कि वो हाईवे खोल दे। What is your experience during last 3.5 years in the rule of BJP government at this center as well as in different states? किसानों और मजदूरों की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है और यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के नौजवान, कर्मचारी, अध्यापक, चाहे वो राज्य सरकार के हों या वो केंद्र सरकार के हों, उनको भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत बड़े तीखे संघर्ष करके जो उपलब्धियां हासिल की थी आज उनको भी छीना जा रहा है। ये बीजेपी की सरकार जब से सत्ता में आई है, राज्यों के अंदर भी और केंद्र सरकार में They have also chosen the same path which was taken by Congress earlier. They are attacking in different sections of the society. They are only taking care of the interest of the corporate houses. What is the alternative? BJP cannot be the alternative to Congress. Congress also cannot be the alternative to BJP. They are the same both brothers. They are either side of the same coins. मैं उम्मीद करता हूँ हरियाणा और देश का हर जगह जब किसान सभाएं संघर्ष का नारा लेके जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाला निकट भविष्य में इस देश की नरेंद्र मोदी जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है, विद्यार्थी और नौजवान विरोधी है और देश विरोधी है, केवल कंपनी परस्त सरकार है, इसको झुका करके निश्चित रूप से बेहतर भारत बनाएंगे, बेहतर भविष्य बनाएंगे।